नमस्ते आदाब, आप देख रहे हैं न्यूज 21 राजस्थान और ये है हमारी दैनिक प्रस्तुति नागौर हेडलाइंस। नागौर हेडलाइंस के अंतर्गत हम देश प्रदेश एवं हमारे नागौर जिले से जुड़ी समस्त खास खबरें हेडलाइन के रूप में आपके बीच लेकर आते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की नागौर हेडलाइन। कोरोना अपडेट, बीती रात 9 बजे आई रिपोर्ट के अनुसार कल प्रदेश में 213 नए केस के साथ आंकड़ा पहुंचा 4,747। वहीं जिले में कल मिले 2 नए कोरोना पॉजिटिव केस के साथ सक्रिय मामले हो गए 40। कोरोना से जंग के बीच बड़ी खबर, अब नागौर चिकित्सालय में शुरू होगी जांच। राज्य सरकार ने 135 लाख रुपए किए स्वीकृत। अजमेर मेडिकल कॉलेज की निगरानी में होगी चेलन अस्पताल में जांच। नागौर एसपी डॉक्टर विकास पाठक लगातार कर रहे हैं कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्रों का दौरा। कुचेरा, थावला, दौलतपुरा एवं सिंगरावट क्षेत्र के दौरे के दौरान विभिन्न पुलिस नाकों का लिया जायजा एवं जानी व्यवस्थाएं। राज्य सरकार ने निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा के अधिकार RTE एक्ट में 25% सीटों पर दुर्लभ एवं असुविधाग्रस्त समूह के निशुल्क प्रवेश के लिए अभिभावकों की आय सीमा 1 लाख रुपए के स्थान पर 2.5 लाख करने की दी मंजूरी। कल खींवसर के नव निर्वाचित सरपंच राजू देवी देवड़ा के पुत्र की सड़क दुर्घटना में मौत की सूचना पर क्षेत्र में पसरी शोक की लहर। शहर के बाजार बंद कर लोगों ने जताया शोक। राजस्थान के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के सचिव सिद्धार्थ महाजन ने राज्य के सभी जिला कलेक्टरों को विशेष श्रेणी के परिवारों को सहायता प्रदान करने के संबंध में जारी किया आदेश। स्क्रीन पर दिख रहे श्रेणियों के लोगों की सहायता के लिए तैयार हो रहा है प्लान। कल अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रभाती लाल जाट ने डीडवाना के विभिन्न बाजारों का दौरा कर दुकानदारों को लॉकडाउन एवं मेडिकल एडवाइजरी की पालना के दिए निर्देश, साथ ही लोगों से भी मास्क के साथ खरीदारी करने का किया आग्रह। कल पाक माह रमजान के तीसरे जुम्मे की नमाज लोगों ने घरों में ही मेडिकल एडवाइजरी एवं लॉकडाउन के नियमों की पालना करते हुए की अदा। देश व दुनिया की कोरोना जंग में जीत के लिए मांगी गई दुआएं। तो ये थी आज के अंक की नागौर हेडलाइंस। इसी तरह की हेडलाइंस लेकर हम आपके बीच में रोज हाजिर होते रहेंगे। यदि आप अपने क्षेत्र से भी किसी हेडलाइन को इसमें शामिल कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर का उपयोग कर सकते हैं। यदि आप हमारी टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं, आप अपने गाँव ढाणी क्षेत्र से रिपोर्टिंग करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल एड्रेस पर अपना रिज्यूम भेज सकते हैं। हमारी कम्युनिकेशन टीम आपको जरूर रिप्लाई करेगी। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।